चाय 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 हार्मफुल होती है ये हमारे लिए और कितनी पी सकते हैं इसकी कंजम्पशन कितनी कर सकते हैं अच्छा कुछ लोगों को तो बिल्कुल चाय नहीं लेनी चाहिए वो किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए जिनकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है आपकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है बॉडी टेम्परेचर ओवरऑल भी गर्म रहता है और आपका स्टूल जो है वो भी टूट टूट के आता है सेवेंटी फाइव मिलीग्राम ऑफ कैफीन इन अ डे इज हेल्दी मैं दिन का एक हिस्सा गुजार के थक गया हूँ तो बीच में एक बार फ्रेश होने के लिए चाय ले ली इससे ना आपकी जो बॉडी की डिपेंडेंस चाय पे वो कम होगी मोस्टली में पाउडर मिल्क यूज होता है hmm. वो कितना हार्मफुल मैं है। उसके हक में नहीं हूँ जिस भी चीज की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है पंगा है हमारा पाकिस्तानियों का जो तो कॉन्सेप्ट है सुबह शाम चाय 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 काम करने जा रहे हैं के बगैर नहीं रह सकते कितनी हार्मफुल होती है ये हमारे लिए और कितनी पी सकते हैं इसकी कंजम्पशन कितनी कर सकते हैं अच्छा कुछ लोगों को तो बिल्कुल चाय नहीं लेनी चाहिए

Hmm. ये आप कह लें कि दो छोटे कप बनते हैं आपके पास दूसरा मैं कहूंगी कि चाय को आप इस तरह ना बनाएं कि अगर मैं चाय नहीं लूंगा अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन मत करें तो मैं फंक्शन नहीं कर सकता hmm. आप अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन करेंगे जब मैं दिन का एक हिस्सा गुजार के थक गया हूं तो बीच में एक बार फ्रेश होने के लिए चाय ले ली इससे ना आपकी जो बॉडी की डिपेंडेंस है चाय पे वो कम होगी अच्छा तो चाय के लिए जो मिल्क इस्तेमाल करते hmm. हैं हमारे वैसे मोस्टली में पाउडर्ड मिल्क यूज़ होता है hmm. वो कितना हार्मफुल मैं उसके हक में नहीं हूँ <laughs> बिल्कुल भी दैट हैज अ लॉट ऑफ प्रवेट आप सोचें कि आपका जो पाउडर्ड मिल्क है वो साल भी आपकी शेल्फ में पड़ा रहे तो खराब नहीं होता अब आप सोच रहे हैं कि उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डाला होगा कि वो साल भी खराब नहीं होता वो आपके जो समझ आ रहा है एग्जैक्टली केमिकल्स और ये सारी चीजें किस तरह उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट hmm. हमेशा मैं जिस तरह जब मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं मैं उनको कहती हूँ नहीं जी मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है ये छः छः महीने नहीं निकलेंगे hmm. और यही गवाही है इस बात की कि मेरे प्रोडक्ट सच्चे हैं ऑर्गेनिक है क्योंकि फ्रेश की शेल्फ लाइफ कम होती है exactly. जिस भी चीज की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, पंगा है. <laughs> <laughs> तो अमेरिकानो अच्छा, तो hmm. uh, <laughs> तो वाला बंदा <laughs> <हूं, आपके laughs> ब्लैक कॉफी को कहते हैं मेरी तो जिंदगी में चाय और चीनी वो तो मेरी तो चाय को बर्बाद कर देगा दूध hmm. <laughs> <laughs> अच्छा अबाउट जिंजर टी जिंजर इज अमेजिंग अच्छा जिंजर दो लोगों के लिए नहीं है एक जिनको गर्ट का मसला हो गेन और एक जिनकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है ठीक है अदरवाइज़ okay. uh, अदरक जो है मेरा तो अपना अदरक पाउडर भी है तो अदरक इज़ हेल्दी है तो मैंने निकाला है अदरक में एक मेडिसिन सब्सटेंस होता है जिंजर ऑल hmm. जिजर ऑल किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जितने लोगों को बलगम का मसला रहता है जिसम में नमी रहती है अब भी से डेली अदरक पाउडर का इस्तेमाल शुरू कर दें और उसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा इंप्रूव hmm. करता है नेचर के दो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो हम बाहर से लेते हैं एक आपके पास अदरक है और एक आपके पास लहसन है ये सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पास नेचर के एंटीबायोटिक है और अदरक तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल का क्योर है मेरा एक प्रोडक्ट है मैंने कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट के लिए निकाला है क्योर उसमें मैंने अदरक भी डालो उसमें मैंने लसन भी डालो मैं आपको रीजन बताती हूँ hmm. जिंजर आपके पास क्या करते हैं जिन लोगों के में हाजमे के जो इंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव जूसे है. जिंजर पाउडर जाके उनको स्टिमुलेट करता है कि अब तुम ठीक तरह से hmm. सिक्रीट हो इसके साथ साथ जिंजर और लहसन दोनों जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने में मदद करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एक बड़ा पावरफुल वेज है खून की शरियानों को रिलैक्स करते हैं ब्लड अच्छी तरह से फ्लो कर सके स्ट्रोक का खतरा नहीं होता वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। है। ऐसे वेट लॉस करते हैं आपको अगर ब्लोटिंग वगैरह का इशू है तो ऐसे पेट चिपक जाता है बिल्कुल